नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम आज मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के युग के साक्षी बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम और हमारा देश तरक्की की राह पर है, उसी तरह से आपराधिक मानसिकता के लोग भी अपराध के नए नए तरीके खोज रहे हैं। आज का ये केस एक ऐसे जुर्म पर आधारित है जिसने पिछले 1.5 दशक में अपने पांव इस तरह पसार लिए हैं कि ये जुर्म कहीं भी कभी भी हम सब के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। हेलो, 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 हेलो। लेकिन हम तो अभी प्रेग्नेंट हैं और हमारी 3 महीने में डिलीवरी भी है, तो अगर हम आपके बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मैम, मैंने बताया ना, हमारे बैंक में अकाउंट खोलने पर हमारा बैंक आपको 2 लाख का मेडिकल एक्सपेंस बेयर करेगा। अरे लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी बैंक में मेरा 10 साल पुराना अकाउंट है, इसको आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? सर बंद नहीं किया है, फ्रीज किया है। आपने अपना KYC अपडेट नहीं किया है। KYC वो क्या होता है? देखिए, आप अपना लेटेस्ट आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर अपडेट कर देंगे तो आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। जी जी शुक्रिया। पर आपकी रिक्वेस्ट कंफर्म करने के लिए अपना डेबिट कार्ड नंबर बताइए। हाँ, माय कार्ड नंबर इज 1911-9090-1870। जी yeah. अब आपके क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर बताइए। आपके कार्ड के पीछे 60 डिजिट का एक नंबर होगा, उसमें से आगे के 4 नंबर किसी को नहीं बताने होते, लेकिन पीछे के जो 3 नंबर है जिसे CVV नंबर कहते हैं वो हमें बताइए प्लीज। या दैट आई नो, इट्स 456। ओके सर, बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको नया पिन जनरेट करना होगा। अब आप कार्ड के पीछे के 7 नंबर्स में से आगे के 4 नंबर्स में अपना पुराना पिन नंबर जोड़ के उसका टोटल मुझे बताएं। एंड टोटल इज 10254। अब आपके फोन पे एक मैसेज आएगा। हाँ लिख लीजिए, 6798। अब मेरा खाता चालू हो जाएगा ना? हेलो 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 हेलो, अरे ये क्या मैसेज है, 46,000 कट गया। हमने पैसा यूज ही नहीं किया, बैंक वाले बोल रहे हैं उन्होंने फोन ही नहीं किया था। हमें हमारा पैसा चाहिए। हमने कोई शॉपिंग की ही नहीं तो पैसा क्यों काटा? आपके बैंक के एग्जीक्यूटिव ने खुद हमसे डेबिट कार्ड नंबर मांगा। वी आर नॉट डफर, वी वांट आवर मनी बैक। जब मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की तो मेरा पैसा क्यों काटा? इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आए दिन हम सबको आते हैं, और सिर्फ अशिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी इन फ्रॉड कॉलर्स के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये कॉल्स कहां से आते हैं, कौन करता है, और आपकी खून पसीने की कमाई ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए किन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है? आज का ये केस आपको इन फ्रॉड कॉलर्स की उस चक्रव्यूही दुनिया में लेकर जाएगा जिनकी चालाक और लुभावनी आवाजें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन इनके ज्यादातर चेहरे कभी भी वॉन्टेड क्रिमिनल्स के चेहरे नहीं बन पाते। और यही वजह है कि आए दिन ये लोग आपके नंबर पर बेखौफ आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, और अगर आपने जरा सी भी असावधानी बरती तो आपका बैंक अकाउंट साफ। पिछले 2 सालों में ये लोग हमारा और हमारे अपनों का लगभग 200 करोड़ रुपया कहां ठिकाने लगा चुके हैं, इसे लेकर 22 राज्यों की पुलिस भी असमंजस में है। देश भर में इस तरह के फ्रॉड्स की शिकायतें और FIR हजारों में दर्ज हैं, और इनमें से सिर्फ 2 या 3% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें अपनी पूरी रकम मिल पाई होगी। लेकिन उन बेखौफ आवाजों को बेनकाब करने की कोशिश जारी है, और आज का ये केस इसी मुहिम से जुड़ा है।
सब काम हो गया, अब हम जाए। ठीक है जाओ। रुको सरोज दीदी, आज आपका पहला महीना खत्म हो गया है, अपनी सैलरी ले जाओ। मैडम नगद नहीं, चेक चेक दीजिए। पैसे हाथ में रहते ना खर्च हो जाते हैं। चेक? हाँ हम चेक में ही लेते हैं सबसे तनख्वाह। आपका बैंक अकाउंट भी है? हाँ, वो पिछले साल सरकार ने खुलवाया था ना हमारा खाता, जनजन जनधन योजना। हाँ वही, हमारा बेटा मानव हमें बैंक लेके गया था, तब तक अंदर से बैंक देखा भी नहीं था हमने। सरोज जी, अब आप हमारे DSM बैंक के ग्राहक हैं। ये लीजिए, ये है आपका अकाउंट किट और आपका ATM पिन आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। ATM पिन? अम्मा हम बताते हैं, ये होता है ATM कार्ड। इसको ATM मशीन में डालते हैं तो मशीन हमसे 4 अंक का पिन मांगती है। उस पिन को जब हम डालेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, और वो ATM पिन किसी को बताते नहीं है। और जहाँ तक जो डाकिया पिन लेकर आता है ना, उस चिट्ठी को फाड़ देते हैं पिन को याद करके। सर हम सही बोले ना? बिल्कुल सही सरोज जी, एकदम ठीक समझा रहा आपका बेटा। तभी तो पढ़ा रहे हैं इसे, ताकि हमें सिखा सके। ये रहा आपका चेक, आज से हम भी आपको सैलरी चेक में ही दिया करेंगे। थैंक यू मैडम। देख बेटा सब सही लिखे हैं ना। कैसे हैं सरोज जी? बस ठीक। हाँ सब सही। मैनेजर मैडम है ना? है ना, जाके मिल लीजिए। मैडम जी आइए बेटा। वो हमने आपसे लोन के बारे में बात की थी। सरोज जी आप इनकम टैक्स नहीं भरती हैं और आपकी कमाई भी कम है। मैडम जी कमाई कम है इसीलिए तो लोन मांग रहे हैं ना। देखिए सरोज जी, बैंक आपको मॉर्गेज लोन दे सकता है। मॉर्गेज? जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आपका कोई घर या फिर कोई गहना जिसे आप गिरवी रख सकें, उसके बदले में आपको लोन मिल सकता है। हाँ घर है ना हमारे नाम, तो उसे आप गिरवी रख के लोन ले सकते हैं हमसे। हम कल ही घर के कागजात लेके आते हैं। हेलो। हाँ बोल विभा, तबीयत पानी ठीक? हाँ हाँ अम्मा हम बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल हमने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि हमें ना आपकी एक मदद चाहिए। मदद? लास्ट मंथ की स्टेटमेंट में भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने कंप्लेंट भी किया था, उसको रिजॉल्व तो किया नहीं, आपने एक और स्टेटमेंट भेज दी। वी आर वेरी सॉरी सर, मैं आपकी कंप्लेंट फिर से ले लेती हूँ। पिछली कंप्लेंट अभी तक पेंडिंग है, एक और कंप्लेंट करने से क्या फायदा होगा? कैसे काम करते हैं आप लोग, कोई फॉलोअप नहीं करते हैं क्या? सॉरी सर, बट अगर आप हमारी सर्विस से खुश नहीं है तो यू कैन राइट अस ऑन बैंक ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट पेज। मुझे तो ना मैं अरे पण हम दिखाओ नवीन। हां हां दिख, तुमने फिर से अपना क्रेडिट कार्ड दिया। मैं अपना डेबिट कार्ड दे रही थी ना। हस्बैंड के होते हुए वाइफ स्पेंड करे अच्छा नहीं लगता। साथ हार्दिक यू नो दैट योर जॉब इज, और मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अपने एक्सपेंसेस बिना क्रेडिट कार्ड के बैक कर सकते हैं, तो फिर क्यों क्रेडिट कार्ड यूज करना? जो अभी मैंने स्वाइप किया है ना क्रेडिट कार्ड से, उसका पूरा का पूरा बिल मैं पे करूंगा, तो वह बोलने की जरूरत नहीं मुझे। हार्दिक तुम हमेशा मुझे उल्टा क्यों समझते हो? और क्या समझूं, हां हमेशा मैं जॉबलेस हूं कहकर मुझे एंबैरेस करते रहते हो, समझते क्या अपने आपको? मैं पे कर दूंगा, बोला ना मैंने। चलो बस। हेलो अड़िया, अड़िया
सर, इस औरत का नाम सरोज त्रिवेदी है सर। ये इसी बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर में रहती है, लेकिन सर इसका घर अंदर से बंद है। इसकी फैमिली में कोई? सर पड़ोसी ने बताया कि इसकी एक बेटी है विवाह, जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहती है, और एक बेटा है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है। सर ये दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। ये देखिए सर, कमरा अंदर से ही लॉक है। एक काम करो, तोड़ दो। सर पूरे घर की तलाशी लो, हाँ शायद यहीं से कोई क्लू मिले। सर वर्मा। जी सर। स्विच ऑफ है, अगर से चार्ज करो। जी सर। घर में ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि सरोज की हत्या हुई है, और ये कमरा भी अंदर से बंद था। कहीं सरोज ने आत्महत्या तो नहीं की? सर ये आपसे सरोज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। साहब चार पाँच घंटे पहले सरोज दीदी बैंक से लौटी थी। दिसंबर भैया कोई जुगाड़ किए हैं, कुछ ही दिनों में आपका सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ चलो रखते हैं। अरे दीदी ऐसा क्या जुगाड़ कर रही हो कि दिसंबर का कर्जा चुका दोगे? अरे हमारे पास कहाँ खजाना है, ले देखे एक छोटा सा कमरा तो है, बस उसी को गिरवी रख देंगे और क्या। सरोज दीदी ने विशंबर से कर्जा लिया था जो कि वो चुका नहीं पा रही थी। तो विशंबर के दबाव डाल रहा था कर्जा लौटाने के लिए? जी साहब। और हाँ वो बैंक वालों से नाराज भी थी, थोड़े देर पहले उन्हें कोसते हुए निकली थी। बैंक वालों से कर्जा क्या मांग लिया, असली काट दी, छोड़ेंगे नहीं। दीदी क्या हुआ, किसको नहीं छोड़ोगी? अरे बैंक की बदमाशी ऐसे कैसे कर सकते, देखती हूँ मैं। और फिर पता नहीं दीदी कब आई और आके ये सब कर। सर सरोज का फोन ऑन हो गया, किसी मानव का फोन आ रहा है। मानव? सब मानव सरोज दीदी के बेटे का नाम है, वो दिल्ली में पढ़ता है। अम्मा आपको कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, आप कहाँ हो? मानव मैं सब इंस्पेक्टर सुशील सिंह बोल रहा हूँ, तुम तुरंत इलाहाबाद आ जाओ। इंस्पेक्टर? हेलो क्या सर, सरोज त्रिवेदी का पासबुक और चेकबुक मिला है अलमारी से। सर मैंने सरोज के बेटे और बेटी दोनों को इन्फॉर्म कर दिया, वो कल सुबह तक इलाहाबाद पहुंच पाएंगे। सरोज की पड़ोस वाली औरत ने बताया कि सरोज का बैंक वालों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी तो बैंक बंद हो गया होगा, सुबह उनसे मिलते हैं। सर फिलहाल सरोज से कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और उस विशंबर का भी पता करो सरोज ने जिनसे कर्जा लिया था। हो गया सर। ये होगी बिक। हार्दिक ये सारे बिल्स ना क्रेडिट कार्ड से पे कर देना, ठीक है? हेलो मैं अदिति सुमन आईएनसी बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, क्या मेरी बात हार्दिक चिटनी जी से हो रही है? हाँ जी बोलिए। सर ये रिमाइंडर कॉल है, आपके क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट 25 सितंबर थी और आपका आउटस्टैंडिंग है 34,456, मैं जा सकती हूँ कि आपने पेमेंट क्यों नहीं की? अच्छा 27th, एक्चुअली मैं डेट भूल गया था, वरना मैं पेमेंट कर दूंगा। सर अगर आप पूरे पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे कर सकते हैं, और समय से पहले पेमेंट करें, इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। देखिए मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है, कर दूंगा पेमेंट, रख दीजिए फोन। हेलो। हेलो सर मैं दीपक तिवारी एलएनसी बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर आपने हमारे ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट पेज पे अपनी कंप्लेंट लिखी थी। जी किया था। देखिए पहले तो आप लोगों ने कॉल कर करके मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कन्विंस किया, अब उल्टे सीधे चार्जेस लगा के इतना बड़ा स्टेटमेंट बना दिया। सर सॉरी फॉर ऑल दिस, प्रीवियस स्टेटमेंट्स को लेकर जितने भी अमाउंट का आपका कंसर्न है, आई मीन 3 लाख का, हम उस अमाउंट का आपको वेवर दे रहे हैं, मतलब माफ कर रहे हैं। जो पैसा मैंने यूज ही नहीं किया उसको वेवर का नाम देके एहसान मत झाड़िए। इस वेवर के साथ हमारा बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा के 10 लाख कर रहा है। ओके एनीथिंग एल्स? सर इस क्रेडिट लिमिट पे आपकी कंफर्मेशन के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी होगी। जी पूछे। सर आपके क्रेडिट कार्ड पे नाम क्या है? मोहित शर्मा। कार्ड की एक्सपायरी डेट? जनवरी 2022। ओके
आपका क्रेडिट कार्ड नंबर? नाम बता दिया अब, एक्सपायरी डेट बता दी, कार्ड का नंबर क्यों जानना है आपको? सर मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ एंड दिस इज अ रिकॉर्डेड कॉल। आप मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो मेरे सीनियर्स द्वारा कंफर्म की जाएगी, उसके बाद ही आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाएगी। ओके वेट अ सेकंड। लिखे कार्ड नंबर है 1972-6734-4560-9009। अपना क्रेडिट कार्ड कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। आपके कार्ड के पीछे 60 डिजिट का एक नंबर होगा, उसमें से आगे के 4 नंबर किसी को नहीं बताने होते, लेकिन पीछे के जो 3 नंबर हैं, जिसे CVV नंबर कहते हैं, वो हमें बताइए प्लीज। या दैट आई नो, इट्स 456। ओके सर, बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको नया पिन जनरेट करना होगा। अब आप कार्ड के पीछे के 7 नंबर्स में से आगे के 4 नंबर्स में अपना पुराना पिन नंबर जोड़ के उसका टोटल मुझे बताएं। And total is 10254. सर अब आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद का न्यू पिन जनरेट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके थैंक यू, सेम टू यू। हाँ बोलो कुमार। सर मेरी बिशंबर दास से बात हुई, जिससे सरोज ने कर्जा लिया था। वो बोल रहा है कि उसने सरोज पर कभी भी पैसा लौटाने का कोई दबाव नहीं डाला था। सरोज के बैंक वालों से बात हुई? सर मैं सरोज के बैंक ही जा रहा हूँ। ठीक है सर, ये मानव है सरोज त्रिवेदी का बेटा। हमने चेक किया था, तुम्हारी माँ के नंबर से लास्ट कॉल तुमको की गई थी। क्या बात हुई थी माँ से? हाँ साहब, अम्मा ने हमको कॉल किया था। बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, दीदी से मिलते रहना, पेट सी है ना। अम्मा हाँ ठीक है, लेकिन आप ये अचानक क्यों बोल रही हैं? अम्मा क्या हुआ है आप बताइए। कुछ नहीं, पता नहीं कल हम रहे ना रहे। अम्मा अम्मा आप रो क्यों रही, मुझे बताइए। क्या बात है, मुझे बताइए आप। तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए हम। क्या गलत हो गया अम्मा, मुझे बताइए आप। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा अम्मा कुछ बोलिए आप। ध्यान रखना खुद का। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा कुछ बोलिए आप। पता नहीं फिर क्या हुआ, अम्मा कुछ नहीं बोली। अम्मा को हमने बहुत बार कॉल किया, फिर अम्मा ने कॉल भी नहीं उठाया। दरअसल सर, सरोजी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहती थी हमारे बैंक से। आज वो अपने घर के पेपर्स भी लाने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कल उन्हें जो फ्रॉड कॉल आया था उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस फ्रॉड की बात कर रही हैं आप? सर सरोजी को कल एक फ्रॉड कॉल आया था और उन्होंने उसे अपना डेबिट नंबर, CVV और यहाँ तक कि OTP नंबर तक दे दिया था, जिसके वजह से उनके अकाउंट से 90,000 रुपीज़ डेबिट हो गए थे। और सर मैंने उनसे कहा भी था कि पुलिस स्टेशन जाकर वो FIR दर्ज कराएं। हाँ सर, कल ये औरत यहाँ आई थी, बहुत ही घबराई हुई लग रही थी सर। बेटा थोड़ी मदद करोगे? क्या हुआ चाची? हम तो लुट गए, 90,000 चले गए हमारे बैंक खाते से। 90,000 कट गए, कैसे? वो एक आदमी का फोन आया था बैंक से, उसने कहा हमारे बेटी का सिलीगुड़ी में बैंक का खाता खोलना है, इसके लिए हमें वो क्या कहते हैं उसे, गारंटर, हाँ वो बनना है। फिर उसने हमसे वो ATM कार्ड का नंबर पूछा और फिर एक मैसेज आया। चाची आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, अब आपको साइबर सेल में जाकर FIR लिखवाना होगा। बेटा हमारे तो समझ में नहीं आता ये सब। कोई बात नहीं चाची, हम बता देते हैं आपको। आइए इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में साइबर सेल के अधिकारी बैठते हैं, उनके पास जाकर आपको कंप्लेन लिखाना है। मैं एड्रेस लिख देता हूँ। वो हमारे पैसे वापस दिलवाएंगे ना? चाची ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वहाँ जाने से पहले आप बैंक से ये जरूर लिखवा लीजिएगा कि वो 90,000 आपने नहीं उन फ्रॉड लोगों ने खर्च की। लेकिन यहाँ आने से पहले हमने फोन किया था बैंक में, उन्होंने तो कहा कि हमें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। बैंक मैनेजर से लेटर लिखवाना ही होगा चाची, उसके बाद ही साइबर सेल जाना, नहीं तो आपका FIR नहीं लेंगे। सर
सर मैंने उसे बैंक जाकर लेटर लिखवाने के बाद साइबर सेल वालों के पास जाने के लिए बोला भी था। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। सरोज जी कल आपसे एक ऑथराइज लेटर लेने आए थे कि वो पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया बल्कि उनके साथ फ्रॉड हुआ था। हाँ सर, लेटर लेने आई थी वो, पर हम किस बेसिस पे उनको वो लेटर देते? हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर्स को हर बार अपडेट करते रहते हैं कि आप अपने कोई भी डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें, फिर भी उन्होंने उस फ्रॉड कॉलर को अपना ओटीपी नंबर खुद ही दे दिया था। मैडम जी, ये ओटीपी पीटीपी का ज्ञान नहीं है हमें, हमें इसमें कुछ नहीं समझ में आता। उसने कहा कि हम बैंक वाले। देखिए, बैंक एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर से ये सारी डिटेल्स नहीं मांगते हैं, वो फ्रॉड कॉल था। माना वो आपके बैंक का आदमी नहीं था, लेकिन आप ये तो मानते हो ना कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया है, तो आप लिख के दीजिए ना। पुलिस ने कहा बैंक से लिखवा लीजिए, लेटर लीजिए। हम आपको ऐसा कोई भी लेटर लिखकर नहीं दे सकते हैं। हाँ प्लीज पुलिस के पास जाइए, वही आपकी मदद करेगी। मैडम जी, हम अभी पुलिस के पास होके आए, उन्होंने कहा लेटर लिख दीजिए। मैडम जी, बेटा तुम तो जानते हो मैंने पैसे भरे थे, तुम तो मत... सॉरी सरोज जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सरोज के साथ हुआ फ्रॉड सरोज की बेटी विभा की गलती की वजह से भी हुआ था, जो जल्द ही विभा के बयान से साफ होने वाला था। माँ के साथ जो भी कुछ हुआ वो हमारी वजह से ही हुआ है, और उसी आदमी ने फ्रॉड किया है माँ के साथ जिसने हमें उस दिन फोन किया था। लेकिन हम तो अभी प्रेग्नेंट हैं और हमारी 3 महीने में डिलीवरी भी है, तो अगर हम आपके बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मैडम, मैंने बताया ना, हमारे बैंक में अकाउंट खोलने पर हमारा बैंक आपको 2 लाख का मेडिकल एक्सपेंस बेयर करेगा। लेकिन हम तो आपके बैंक में नहीं आ सकते अभी, हमारे लिए आपके बैंक आना तो बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं मैडम, हम आपका अकाउंट फोन पे ही खोल सकते हैं, लेकिन आपको एक गारंटर लगेगा जिसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमें देनी होगी। आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपका गारंटर बन सके? हमारे पति तो आर्मी में है, वो तो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। हाँ लेकिन हमारी अम्मा वो इलाहाबाद में रहती हैं, और वो आप लोगों से बात भी कर सकती हैं, और उनका अकाउंट भी है बैंक में। कोई बात नहीं मैडम, आप हमें उनका नंबर दे दीजिए और उन्हें बता दीजिए, हम उन्हें फोन करेंगे। सर हमने उसे माँ का नंबर दे दिया था और हमने माँ को फोन करके बताया था कि वो उन्हें फोन करेगा। हाँ हाँ अम्मा, हम बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल हमने आपको इसलिए फोन किया था कि हमें ना आपकी एक मदद चाहिए। मदद? कैसा मदद? अम्मा अभी ना आपको एक फोन आएगा, वो बैंक का आदमी है, हमारा बैंक अकाउंट खोल रहा है, आपको हमारे बैंक अकाउंट का गारंटर बनाना चाहता है। आपसे जो भी वो डिटेल्स मांगेगा बस आप उन्हें दे दीजिएगा। किस नंबर से कॉल आया था आपको? सर ये नंबर था, और सर हमें माँ ने बताया था कि उन्हें उस आदमी का फोन आया था। हेलो। हेलो मैम, मैं DSM बैंक से अमित शर्मा बोल रहा हूँ, आपका नंबर आपकी बेटी विभा ने दिया है। और सर थोड़ी देर बाद माँ ने हमें दोबारा फोन किया और उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट से 90,000 रुपए कट गए, और उसके बाद माँ ने हमारा फोन ही नहीं उठाया। हमें लगा कि माँ हमसे बहुत गुस्सा हो गई, हमसे नाराज है। सर हमने कभी नहीं सोचा था कि माँ कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। ध्यान रखना खुद का। क्या 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 गलत हो गया, मुझे बताइए आप। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा कुछ बोलिए आप। तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो लास्ट ईयर की BPL की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पॉवर्टी लाइन में, डियर सर, एज पर योर कंप्लेंट नंबर 15392 वी चेक्ड एवरीथिंग एंड फाउंड दैट योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 9009 वाज यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग फॉर 3 लाख। 9009 ऑन 20th September 2017। नितिन यू प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, सो जैसा कि सर ने बोला है कि रिपोर्ट हम सबके पास आ चुकी है। मेरा कार्ड। अपने क्रेडिट कार्ड में हुई फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए मोहित शर्मा दिल्ली पुलिस के साइबर सेल यूनिट से मिले। ये हो क्या रहा है?
इन फ्रॉड्स ने मुझ जैसे ऑफिसर को चूना लगा दिया, तो आम जनता का क्या होगा? क्या इन लोगों को हमारी साइबर पुलिस का कोई खौफ नहीं है? सर, आई एम सरप्राइज कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड की कॉन्फिडेंशियल डिटेल कॉलर को दे दी। मुझे बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल आया था, मुझे लगा जेन्युइन होगा। बैंक में कॉल किया तो वो लोग कहते हैं कि दीपक तिवारी नाम का फ्रॉड वहाँ कोई काम ही नहीं करता। बट यू जस्ट फिगर इट आउट कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। सर आई सॉ योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन 29 सितंबर को 60,000 और 87,000, यही फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुई थी ना आपके अकाउंट से? यस, प्लीज चेक एवरीथिंग कि मेरा कार्ड किसने यूज किया और मुझे बैंक के टोल फ्री नंबर से किसने कॉल किया था। एंड सेंड हिम बिहाइंड द बार्स। सर, विल स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। सर, सरोज त्रिवेदी के अकाउंट से जो 90,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई थी, वो ट्रांजेक्शन 24 सितंबर के दोपहर 1:30 बजे हुई थी। लेकिन सर, उस ट्रांजेक्शन से पहले सरोज त्रिवेदी को इस नंबर से 2 बार कॉल आए थे। हेलो। और इसी नंबर से विवाह को भी कॉल आया था, लेकिन अभी यह नंबर लगातार बंद आ रहा है। सर, किसका नंबर है ये? सर, ये नंबर गोरखपुर के किसी गिरधारी लाल पुरोहित के नाम पर रजिस्टर है। सर, ये वही फ्रॉड कॉलर हो सकता है जिसने सरोज से उसके डेबिट कार्ड के डिटेल्स और OTP मांगा था। अलाहाबाद पुलिस जब गोरखपुर के उस एड्रेस पर पहुंची तो पाया कि वहां कोई गिरधारी लाल पुरोहित नहीं रहता था, और जल्द ही यह भी साफ हो गया कि वो नंबर जिससे सरोज को फ्रॉड कॉल किया गया था, वो फेक आईडी देकर खरीदा गया था। और अलाहाबाद साइबर पुलिस द्वारा यह पता लगा लिया गया था कि सरोज के 90,000 कहां इस्तेमाल किए गए थे। सर, सरोज के डेबिट कार्ड के जरिए एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से एक LED टीवी और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया था। सर, खरीदने वाले ने डिलीवरी एड्रेस लखनऊ का दिया था। ये किसी आशीष पांडे के एड्रेस है जिसका पता 35C आनंद नगर सर्किट रोड लखनऊ है। सर, ये डिलीवरी डेट 28 सितंबर है। यानी कि सरोज के पैसों से खरीदा गया टीवी और फ्रिज लखनऊ के इस आशीष को डिलीवर होगा। लेकिन सर, अब इस डिलीवरी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि कंपनी ने FX कुरियर के जरिए ऑलरेडी ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है। डिलीवरी कैंसिल भी नहीं करना है क्योंकि कल टीवी और फ्रिज लेने आशीष को उसके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। इनके फ्रॉड ने एक औरत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। आशीष पांडे जी, चल। अरे चल, अरे कौन है आपको? अरे छोड़े, मैं किसी सरोज को नहीं जानता साहब। इतनी आसानी से जाने का भी कैसे? उसको कॉल करके चूना जो लगाया तूने? मैंने 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 किसी को फोन नहीं लगाया। आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो। जिस नंबर से तूने कॉल किया था ना, वो भी किसी गिरधारी के फेक आईडी देकर खरीदा गया था। मैंने नहीं किया। एक गरीब औरत का खाता खाली कर दिया, उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और कह रहा कुछ नहीं किया। साहब, आप विश्वास कीजिए, मैंने नहीं किया। सरोज त्रिवेदी के डेबिट कार्ड से जो टीवी और फ्रिज खरीदा गया है उसका डिलीवरी एड्रेस तेरे घर का है। अब सीधे से बता दे कि और किस किस को चूना लगाया तूने। और अब पुलिस FX कुरियर के डिलीवरी ऑफिस से सरोज के डेबिट कार्ड से खरीदे गए LED टीवी और रेफ्रिजरेटर कलेक्ट करने वालों का पता लगा रही थी। नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता ये कौन है। इन दो अनजान चेहरों की पहचान पता करने के लिए अब अलाहाबाद पुलिस आशीष पांडे का बैकग्राउंड खंगाल रही थी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज पता लगाई जा रही थी। और अब पुणे की वर्तिका चिटनिस एक फ्रॉड कॉलर के झांसे में आने वाली थी। ऑटो, 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 ऑटो। हेलो मैम, मैं INB बैंक से सुरेंद्र पाठक बोल रहा हूँ। मैम, हमारा बैंक आपको एक एड ऑन कार्ड ऑफर कर रहा है जिसके साथ आपको 10,000 के फ्री गिफ्ट कूपन दिए जा रहे हैं जिन्हें आप शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मूवी टिकट्स खरीदने के लिए भी यूज कर सकती हैं। ओके। इस कार्ड से आपको 5,00,000 तक का इंस्टेंट लोन भी मिल सकता है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? यस, यस आई एम इंटरेस्टेड। तो इस एड ऑन कार्ड के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल शेयर करनी होगी ताकि मैं आपको एड ऑन कार्ड प्रोसेस कर सकूं। जस्ट अ मिनट। हां, माय कार्ड नंबर इज 1911 3569
9090-1870. जी, अब आपका क्रेडिट कार्ड CVV नंबर बताइए. It's 424. 83,000? हार्दिक? हार्दिक? क्या? मेरे क्रेडिट कार्ड से 83,000 रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है. क्या? अरे क्या क्या क्या? कार्ड कुठे माझा? हरवलास का तू? वेड लागले का तुला? फेंक दिया था मैंने, हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसे. तो फिर कुठे कार्ड कुठे तुझ? कार्ड तो इधर ही है, फिर ट्रांजैक्शन कैसे हुई? सुनो, तुमने कुछ 5 लाख के लोन के लिए एप्लीकेशन किया है बैंक से? क्या? हाँ, यहाँ पे लोन अप्रूवल का मैसेज आया है. अलाहाबाद की सरोज कुमारी और दिल्ली के IAS ऑफिसर मोहित शर्मा के बाद अब पुणे की वर्तिका भी एक फ्रॉड कॉलर के झांसे में आ चुकी थी. अलाहाबाद पुलिस सरोज को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले फ्रॉड्स की असल पहचान पता करने में जुटी थी. वहीं दिल्ली पुलिस भी मोहित के साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड के केस क्रैक करने की लीड तलाश रही थी और जल्द ही वर्तिका के साथ हुए फ्रॉड का केस पुणे पुलिस के पास आया. आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप इस कॉलर के झांसे में आ गई. सर, उसने मुझे कहा था कि बैंक मुझे एक एड ऑन कार्ड इशू करेगा, इसलिए मैंने उसे. तुम इतनी बड़ी गलती कर ही कैसे सकती हो? विचार इसे तरी एकदा. सर, वो 6 लाख का फ्रॉड हुआ है, कुछ कीजिए सर. सर, उसने मुझे कहा था कि उस एड ऑन कार्ड पे मुझे 5 लाख का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, लेकिन सर मुझे वो कार्ड मिला ही नहीं और वो 5 लाख का लोन भी इशू हो गया और किसी ने वो यूज भी कर लिया. और सर, मेरे कार से 83,000 रुपीस का ट्रांजैक्शन भी हुआ है. सब पता नहीं है किसने किया. सब प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए. और सब बैंक वाले हमें कह रहे हैं कि हमें ये सारे पैसे उन्हें देने पड़ेंगे जो हमने यूज ही नहीं किए. सर, सब प्लीज कुछ कीजिए. प्लीज हेल्प अस. डोंट वरी, वी विल लुक इनटू द मैटर. सर, मैंने आशीष को अच्छे से खंगाला, लेकिन उसके बैकग्राउंड में इन दोनों की पहचान का कोई भी लीड नहीं मिल पा रहा. और आशीष अभी तक अपने बयान पर कायम है कि उसका सरोज त्रिवेदी के साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड से कुछ भी लेना देना नहीं. हो सकता है वो फ्रॉड कॉलर इन्हीं दोनों में से कोई एक हो. तुम अच्छे से पता करो और ये भी पता करो कि इनका कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है. सर, मैं साइबर पुलिस से मिलता हूँ. वो पता लगा रहे किस IP एड्रेस के थ्रू सरोज के कार से शॉपिंग हुई थी. मैनेजर साहब, आपके मुताबिक आपने दिल्ली के कॉल सेंटर में रीचेक किया और आपने पाया कि 29 सितंबर को दोपहर 1:17 पर जो कॉल IAS मोहित शर्मा को की गई वो आपके बैंक के टोल फ्री नंबर से ही हुई थी. लेकिन वहीं आप लोगों का ये भी कहना है कि वो कॉल आपके बैंक के कॉल सेंटर के किसी एम्प्लॉय ने नहीं की. यस सर, एंड आई डाउट वो कॉल किसी इंटरनेट सर्वर के थ्रू कनेक्टेड था. वो कॉल किस इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड थी किससे नहीं, ये हम पता लगा लेंगे. आप बस हमें अपने दिल्ली के कॉल सेंटर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल दीजिए. हमें लगता है कि उनमें से ही किसी ने कॉल की होगी. ओके सर. सर, मैं IP एड्रेस पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे सरोज के डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी, लेकिन अभी तक वो IP एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया है. अच्छा, जिस सिम का यूज करके सरोज को कॉल किया गया था. हेलो, उस सिम के जरिए हम के कॉलर के फोन का IMEI नंबर ट्रेस कर सकते हैं. हो सकता है इससे फ्रॉड कॉलर तक पहुंचने में आसानी हो. सर, हम कोशिश दोनों तरीके से ही कर रहे हैं. आई होप हमें जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो. ये क्या किया? डफर हो तुम, समझी तुम? डफर और कुछ नहीं. नुकसान कर सकती हो तुम मेरा. हाँ, मैंने शादी क्यों की तुमसे यही नहीं समझ में आ रहा. जिस दिन से लाइफ में आई हो उस दिन से सब बर्बादी. मेरा जॉब छूट गया, अब ये बिजनेस जो है वो सेटल नहीं हो रहा. अरे पनौती हो तुम मेरे लाइफ की सबसे बड़ी पनौती. जो भी नुकसान हुआ है वो मेरा हुआ है. और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने मुझसे शादी करके गलती की है तो अपनी गलती सुधार दो ना. छोड़ दो मुझे. मानव, तुम मुझसे नाराज है क्या? पता था ना आपको कि अम्मा को ये बैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आपने उनको. अगर अम्मा ने आत्महत्या की है वो आपकी वजह से की है.
आप ये सब कुछ बोलती ना ये सब कुछ होता। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ अपनी अम्मा को? सर वी चेक, उन लोगों ने मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज करके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस जंप किए, फिर बैंक के सर्वर से कनेक्ट किया और फिर उसी बैंक के टोल फ्री नंबर से 29 सितंबर को 1:17 पे आपको कॉल किया गया। अच्छा, इसी के चलते मेरे फोन पर बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल आ रहा था? जी, लेकिन वो कॉल बैंक का कोई एम्प्लॉय नहीं, वो हैकर कर रहा था जिसने बैंक के उस टोल फ्री नंबर को हैक कर लिया था। लेकिन पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? आइए सर समझाता हूँ मैं। आपके अकाउंट से जो पैसे निकाले गए वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग करने के लिए निकाले गए। यहाँ शॉपिंग के लिए ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर को कैंसिल करके पैसे यहाँ ना ट्रांसफर करके यहाँ एक ई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए गए। किसका ई वॉलेट? सर यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो कि एक ऑनलाइन सुविधा है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट यानी कि पैसा भी रिसीव कर सकते हैं। ई वॉलेट देश में डीमोनेटाइजेशन के पहले से चलन में आ चुका था, जिसका मकसद था रोज़मर्रा के कैश के लेन देन को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। लेकिन इस तरह का ई वॉलेट रखने वालों की आइडेंटिफिकेशन की सही जाँच नहीं हो पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए RBI ने अब ये निर्देश दिया है कि सभी ई वॉलेट होल्डर्स के आधार लिंक और उनका KYC अपडेट करना अनिवार्य है। KYC यानी कि नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर की ID और एड्रेस प्रूफ की सही से जांच करना बैंक की जिम्मेदारी है। IAS ऑफिसर मोहित शर्मा के साथ हुए फ्रॉड का पैसा जिस ई वॉलेट में जमा हुआ था उस ई वॉलेट की पहचान फर्जी थी, तो क्या पुणे पुलिस वर्तिका के साथ फ्रॉड करने वालों की पहचान पता कर पाएगी? सर, वर्तिका चिटनीस के क्रेडिट कार्ड पर जो 5 लाख का इंस्टेंट लोन अप्रूव हुआ था वो नालंदा बिहार के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। बैंक को कॉन्टैक्ट करो और इस अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज करने को बोलो। सर मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया। सर आपका पैसा जिस ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था वो किसी मुकुंद सिन्हा के नाम पे है, लेकिन इस मुकुंद सिन्हा के प्रोफाइल में जो नंबर है वो फेक आईडी से खरीदा गया और इसके प्रोफाइल में जितनी भी डिटेल्स हैं सारी फेक हैं। सर तो फिर मेरा पैसा मुकुंद सिन्हा के वॉलेट से कहाँ चला गया? सर दरअसल इस मुकुंद सिन्हा के ई वॉलेट से पैसा निकाल करके इन 5 अलग-अलग ई वॉलेट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। 5 ई वॉलेट? जी। तो इन 5 ई वॉलेट का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन हमारी पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी से इनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द हम इन 5 ई वॉलेट अकाउंट्स का IP एड्रेस और उस फेक कॉलर का जिसने आपको कॉल किया था उसका IP एड्रेस पता लगा लेंगे। हो ना हो ये किसी IT एक्सपर्ट का काम लगता है। एग्रीड सर, बट ये लोग जो भी हैं हैं बहुत जीनियस। पता ये लगाना है कि ये लोग ऑपरेट कहां से कर रहे हैं। मोहित शर्मा के साथ हुए फ्रॉड का पैसा सिर्फ एक फर्जी पहचान से खोले गए ई वॉलेट में नहीं था, बल्कि उससे 5 और ई वॉलेट होल्डर्स को पैसा ट्रांसफर किया गया था। जिस पैमाने पर यह फ्रॉड हुआ था क्या उसे करने वाले अपराधी वाकई में IT एक्सपर्ट्स थे? लेकिन यह साफ था कि उनकी असल पहचान पता करने में पुलिस को अब काफी मशक्कत करनी थी। वहीं इलाहाबाद पुलिस उन लोगों की पहचान पता करने में अब तक नाकाम नजर आ रही थी जो लोग सरोज की आत्महत्या की वजह बने थे। सर मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों चेहरों से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी जिससे एक क्लू मिले कि इन लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। सर अभी अभी नालंदा बैंक से फोन आया, बैंक के एक्शन लेने से पहले किसी ने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। व्हाट? यस सर। जानकारी के बाद पुणे पुलिस टीम तुरंत नालंदा के लिए रवाना हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बार फिर से उन 5 ई वॉलेट होल्डर्स की जानकारी हैरान कर देने वाली थी जिनको IT एक्सपर्ट्स के फ्रॉड्स का नेक्सस समझा जा रहा था। सर ये देखिए, यह है ई वॉलेट अकाउंट्स, शिमला, पटना, कानपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, सब मल्टीपल सिटीज के अकाउंट्स है। सर ये जितने भी ई वॉलेट अकाउंट होल्डर्स हैं सभी के मोबाइल बंद है। शिमला, इंदौर, पटना, कानपुर, नोएडा, बहुत बड़ा नेक्सस लगता है इनका, इसीलिए इतनी सिटीज में फैला हुआ है।
सर ये अकाउंट अनीस अंसारी के नाम पे रजिस्टर था। अनीस के अकाउंट में पैसा आ रहा था और वो हमेशा मिनिमम बैलेंस छोड़ के विड्रॉ कर लेता था, लेकिन इस बार उसने विड्रॉ करने के तुरंत बाद बैंक अकाउंट बंद कर दिया। ये उसके डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन तो स्विच्ड ऑफ है और जिस पैमाने पे फ्रॉड हुआ है मुझे लगता नहीं कि अनीस इस एड्रेस पे मिलेगा। अनीस के अकाउंट का गारंटर कौन था, मुझे उस गारंटर की डिटेल्स दीजिए। जी सर मैं देता हूँ। सर उन ई वॉलेट रखने वालों के फ़ोन नंबर्स फेक आईडी से खरीदे गए थे और उन्होंने फेक एड्रेस दिए थे और वो ई वॉलेट अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। न जाने अब तक कितने कंज्यूमर्स का पैसा वो कंज्यूम कर चुके होंगे। लेकिन सर एक ई वॉलेट का पैसा नोएडा के सेक्टर 17 में ट्रस्ट बैंक में एक अभिजीत नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। आप कहते उसका अकाउंट में फ्रीज करा दूँ? सर नहीं, अगर इसका अकाउंट फ्रीज करवाया तो वह अलर्ट हो जाएगा। इस बैंक के ब्रांच मैनेजर से मेरी बात करवाओ। ओके सर। हेलो सर, मेरी अभी अभी अभिजीत से बात हुई है। He said he will come tomorrow, लेकिन टाइम नहीं बता पाया सर। थैंक यू। पुलिस अभिजीत कुमार के बैंक आने के बाद उसको गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन अभिजीत बैंक नहीं आया और अभिजीत कुमार नोएडा में जिस पते पर रह रहा था वहां भी ताला था और उसका मोबाइल भी बंद था। इन आईटी एक्सपर्ट फ्रॉड्स का नेक्सस पता करने के लिए अब अभिजीत कुमार के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे। वहीं पुणे पुलिस अनीस अंसारी को नालंदा बैंक में उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले अनीस अंसारी के गारंटर से मिली। शायद सर वो जामतारा का था। जामतारा? जी सर। जिस आईपी एड्रेस के जरिए सरोज के डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी वो जामतारा में एक्टिव था। जामतारा? जी सर। और सर सरोज के नंबर पे जो फ्रॉड कॉल किया गया था हेलो वो भी जामतारा से किया गया था। लेकिन जामतारा है कौन सी जगह, कौन से स्टेट में? सर फाइनली उस सोर्स सर्वर के आईपी एड्रेस का पता चल गया है जिसे मोहित शर्मा को बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल किया गया था। हेलो, वो आईपी एड्रेस जामताड़ा में एक्टिव था। जामताड़ा? ये जामताड़ा है कहाँ पे? आखिर कहाँ था ये जामताड़ा जो पुलिस के लिए भी एक अनसुनी जगह थी। हेलो 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 गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एबीएस बैंक से बोल रहा हूँ। 3528-3456 सर, क्रेडिट कार्ड के पीछे से सीवी नंबर। 1 2 3 ओके सर। सर आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है सर, आप इंटरेस्टेड हैं? आपने सर आप नंबर बता सकते हैं क्या? 9735283456 82। हेलो हेलो हेलो, मैं एच यू बी सी बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से बोल रहा हूँ। जी मैं एस डी आई बैंक के मुंबई कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ। आपका डेबिट कार्ड नंबर बोलिए। आपके क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर बताइए। मैम मैं डी एस एम बैंक से अमित शर्मा बोल रहा हूँ। क्या पुलिस इन ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपराधियों तक पहुँच पाएगी? हेलो, हाँ मैं आपके कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ सर, अभिजीत कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लाइन ट्रांसफर कर दो। बोलो अभिजीत जी। सर आई नो कि आपने मुझे केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक बुलाया था, लेकिन सर सो सॉरी मुझे अर्जेंटली आउट ऑफ टाउन जाना पड़ गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं अभिजीत जी। क्या आप इस वक्त बैंक आ सकते हो क्या? सर एक्चुअली मुझे नोएडा वापस आने में भी 3 दिन और लगेंगे, लेकिन मुझे अर्जेंटली किसी को पेमेंट करना है और मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है? नहीं, आपका तो अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। आई एम श्योर आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली मेरा फ़ोन खो गया है और अगर आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया है तो मैं चेक इशू कर सकता हूँ ना, और जैसे ही मैं वापस आऊँगा मैं KYC अपडेट करवा लूँगा। इज दैट फाइन? इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में नोएडा बैंक के अकाउंट होल्डर अभिजीत कुमार ने एक बेरर चेक के जरिए रमेश सिंह नाम के एक लड़के को अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए भेजा।
बैंक कर्मियों की सूझबूझ से विड्रॉल से पहले ही रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, उसने सिर्फ मेरे को चेक दिया था सर, मैं सिर्फ बैंक लेके गया था सर, उसके बाद आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ शर्मा बोलो। सर, जिस रमेश नाम के लड़के को अभिजीत ने अपना बेरर चेक देकर अपने बैंक में भेजा था, उससे हमने अभिजीत की इन्फॉर्मेशन उगलवा ली है। अभिजीत रांची में सर। वेरी गुड, उसका एड्रेस भेजो मुझे। रमेश से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जल्द ही अभिजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। बता। सर बिलीव मी सर, सर मुझे नहीं पता था जो पैसा मेरे अकाउंट में आया था वो फ्रॉड का पैसा था। सच सच बोल, नहीं तो और पिटेगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप मेरा विश्वास करो। सर मैं भागा भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि कुछ महीनों से मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई है। सर कुछ महीनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा था, उसमें लिखा था कि बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाओ, एक नीचे नंबर दिया था। सर जब मैंने उस नंबर पर कॉल मिलाया तो एक आदमी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। सर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट उसे किराए पे दे दूं तो मैं हर महीने 30,000 से 40,000 रुपए कमा सकता हूँ। किराए पे दे दे मतलब? सर मतलब बैंक अकाउंट मेरा रहेगा लेकिन उस अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे पैसा जमा होगा और मुझे वो पैसा विड्रॉ करके उन लोगों को देना है बस। जब भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था तो मुझे एक कॉल आता था, हेलो हाँ पैसा ट्रांसफर हो गया है, और मैं उन पैसों में से 10% अपने लिए रखकर बाकी पैसा विड्रॉ करके उन लोगों को दे देता था। अभिजीत भले ही इस बड़े नेक्सस का एक छोटा सा मोहरा है लेकिन अभिजीत जैसे जरूरतमंद लोग आए दिन इस तरह के छलावों का शिकार हो रहे हैं। और अब ऑनलाइन फ्रॉड के कई और केसेस एसीपी रघुवर की अगुवाई में सभी राज्यों की पुलिस का एक ज्वाइंट मिशन बनने वाला था। सर नमित शर्मा, थाना प्रभारी जामतारा। सर पुणे से पीआई अशोक प्रधान। सर इलाहाबाद से पुलिस सब इंस्पेक्टर सुशील सिंह। आप दोनों के एरियाज के भी केसेस स्टडी किए हैं मैंने, क्या स्टेटस है आपके केसेस का? सर अभी तक तो हम सोच रहे थे कि जिस तरीके से इस एरिया से फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर आईटी एक्सपर्ट के अड्डे होंगे, लेकिन अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं उससे तो लगता है कि सरोज त्रिवेदी के साथ जिन लोगों ने भी फ्रॉड किया है वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। उन फ्रॉडस्टर्स की कोई पहचान हुई जिनकी वजह से सरोज ने आत्महत्या की थी? सर पहचान तो नहीं हो पाई है लेकिन सरनेम से आइडिया लगता है कि या तो वो अंसारी हैं या फिर मंडल। अंसारी और मंडल। मिस्टर प्रधान, पूना में वर्तिका चिटनेस नाम की एक लड़की के साथ फ्रॉड हुआ था, उस केस में भी वर्तिका के अकाउंट से पैसा निकालकर जिस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया गया था उस अकाउंट होल्डर का नाम भी अनीस अंसारी था ना? जी सर, लेकिन यहाँ पे कोई भी अनीस अंसारी के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए कोई और तरीके अपनाने होंगे। आई सर। शर्मा जी एक बात बताइए, आपके जामतारा में कुल कितने मोबाइल टावर्स होंगे? सर यह हर मोबाइल कंपनी अपना टावर लगाकर बैठा है सर, 2G 3G 4G सब नेटवर्क दुरुस्त चलता है सर। यानी कि प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल कंपनी भी उनका साथ दे रही हैं। आई सर, दरअसल जिस भी क्षेत्र में 800 से ज्यादा कॉल होता है वहाँ पे मोबाइल कंपनी वाला अपना टावर लगा ही देता है, और यहाँ जामतारा में सर हर रोज का 3,500 से ज्यादा कॉल होता है सर। ये देखिए सर, लेकिन यहाँ ज्यादातर नंबर्स फेक आईडी पे अलॉट किए गए हैं। शर्मा जी एक काम कीजिए, ऐसे जितने भी नंबर जिन पे आपको शक है कि वो फेक आईडी पे अलॉट हुए हैं कल तक मुझे उन सब की डिटेल दीजिए। जी सर मिल जाएगा, लेकिन सर सर अभी कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चले तो पता चले, बाकी गांव वाला तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जामतारा में टोटल 130 गांव हैं। अब सर यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं और कोई ठोस जानकारी तो है नहीं हमारे पास, और जो जानकारी है उसके थ्रू हम कहीं तक पहुँच नहीं रहे, और क्या है ना सर कि यहाँ गाँव में सब लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस नेक्सस को खड़ा करने में ज्यादातर उन लोगों का हाथ है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और जामताड़ा में कई दल बनाकर बड़ी सफाई से ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं। ये नारायणपुर यहाँ से कितनी दूर है? सर यही कोई 17-18 किलोमीटर होगा। दरअसल वहाँ एक पुनीत मंडल नाम का लड़का रहता है, ये जिसने दिल्ली के IAS ऑफिसर मोहित शर्मा को चीट किया, और जिस IP एड्रेस के थ्रू इसने चीट किया वो IP एड्रेस इसके लैपटॉप को बिलोंग करता है। दरअसल बात यह है वो लैपटॉप इसने पटना से खरीदा था जहाँ उसने अपना स्टूडेंट होने का प्रूफ एक आईडी के तौर पे दिया था, उस आईडी से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिली। मैं चाहता हूँ उस गांव में चलकर देखें शायद कुछ और पता चले इसके बारे में। ठीक है सर। ये देखिए नारायणपुर आ गए सर। नारायणपुर की सड़कें बहुत खस्ता हैं लेकिन मकान बहुत बड़े बड़े बने हुए, देख रहे हो ये बड़े बड़े टावर्स लगा रखे हैं।
ठहरी सर, ये हेलमेट पहन लीजिए सर, पता नहीं कौन सा पत्थर कहाँ से आगे लग जाए। आइए सर, आइए सर, वो रहा घर सर, वहां पर। अरे साहब लोग आप, अरे अंदर आइए अंदर आइए। ये बच्चा लोग भी ना बहुत शरारती है, पत्थर फेंकता रहता है। वर्दी वर्दी का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। आप लोग बैठिए साहब, जब तक वो लोग शांत नहीं होता है मैं चाय वाय का इंतजाम करता हूँ। पुनीत मंडल तुम्हारा बेटा है? हाँ साहब, पुनीत हमारा ही बेटा है। क्या बात, कहाँ है वो? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं साहब, कोई मेडल देने वाले है क्या उसको? मस्करी करता है, कहाँ है तेरा बेटा? ऊंचा सुनते है क्या साहब, बोले ना नहीं है। और इस वक्त कहाँ है ये भी हमको नहीं पता है। अब बोलो, चाय लेंगे या दारू का इंतजाम करें? इंतजाम तो हम करने आए हैं तेरे बेटे को अंदर भेजने का। कहे कहे भेजेंगे उसको अंदर? दिल्ली के एक सरकारी अफसर को चूना लगाया तेरा बेटा, समझा? एक ही नहीं, कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है उसने। अब तू सीधी तरह से ये बता कि वो है कहाँ। अरे कुछ नहीं किया है साहब उसने, दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है। खुद 20,000 का लैपटॉप दिलाए हैं उसको, अंग्रेजी पढ़ाए हैं, थोड़ा ऑनलाइन ऑनलाइन थोड़ा पैसा कमाता है, तो क्या गलत करता है? ज्यादा होशियारी दिखा रहे तुम। चलो ये पुनीत का बाप काफी शातिर लग सर, वो लड़के लोग जंगल भाग गए। सर हम तो पहले कहे थे कि लोग बहुत शातिर हैं, कुछ बताएगा नहीं। लेकिन वो तो बताएंगे जो जंगल भाग गए हैं। जंगल कहाँ है ये बताओ। सर पुनीत मंडल, अनीस अंसारी और ये दोनों लड़के कहाँ हैं ये लोग? देखो जो भी इनमें से किसी एक का पता बताएगा ना उसे छोड़ देंगे। तू जानता है ना कहाँ हैं ये? हमको नहीं मालूम। साफ से बात करते हैं शर्मा, पुनीत मंडल के साथ था ना तू? कहाँ है पुनीत मंडल बता। जैसे हम भागे थे वैसे वो भी भागे थे, हमें नहीं पता है कहाँ है मंडल भैया। मंडल भैया, भाई है वो तेरा? भाई क्या, भाई से बढ़कर है वो। फिर तो उसका नंबर भी होगा तेरे पास। जब तू पकड़ा गया था तो तेरे पास से हमें ये मोबाइल मिला, इसमें पुनीत का नंबर नहीं है। लेकिन चूंकि वो तेरे भैया से भी बढ़कर है तो तेरे पास उसका नंबर जरूर होगा। मिला उसे फोन, उससे कहे कि तू पकड़ा गया था लेकिन अब भाग गया है, जहाँ पे तू है अब वहाँ उसे बुला मिलने के लिए। चल मिला। नंबर तो होगा नहीं उसके। नंबर क्या, 10 नंबर उनके पास, अब जो याद रहेगा वही मिलाएंगे ना। शर्मा अब याद आया, चल मिला। मिला शत्रु। हाँ हेलो शत्रु, बोल कहाँ है तू? हेलो, हाँ पुनीत भैया, अपना 10 का 10 नंबर ना बंद कर दीजिए तो आपको पुलिस पकड़ ले। नहीं पुनीत मंडल, फोन मत रखना। हेलो कौन बोल रहा है? तेरी आफत,
अरे ऐसा गीदड़ लोग का धमकी बहुत सुने है साहब फोन पे। हिम्मत है ना तो पकड़ के दिखाओ। देख तू चाहे जितना मारना ना मार लो, लेकिन हम नहीं बताने वाले। हमारे दल के मुखिया है मंडल भैया, उनकी वजह से हमारे लड़कों लोगों की जिंदगी चेंज हो गया है। तो तू क्या चाहता है, तेरी जिंदगी हम चेंज करें? कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तीन दिन में ना हमारा जमानत हो जाएगा। शत्रु, पुनीत और अंसारी जामताड़ा के वो एटीएम मास्टर्स हैं जिन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और वजह यह है कि जिस तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड्स किए जाते हैं उनके लिए पक्के सबूत मुहैया नहीं हो पाते हैं, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर जो अपराधी पकड़े जाते हैं उन्हें बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है। अपनी जेबों में लाखों भरने वाले अपराधी जेल से छूटते ही फिर से अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को ठग कर जितना पैसा ये कमाते हैं उसके सामने कुछ दिनों के लिए जेल जाना भी इन्हें बहुत मामूली लगता है। शत्रु मंडल ने पुनीत मंडल से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन शत्रु के साथ पकड़े गए कुछ और लड़कों से उन अपराधियों की पहचान मिली जो अलाहाबाद की सरोज और पुणे की वर्तिका चिटनेस के अपराधी थे। ये अनिश बहुत बड़ा एटीएम मास्टर है, जामताड़ा में नहीं रहता, पता नहीं दिल्ली मुंबई कहाँ रहता है साहब। जामताड़ा में इसका घर कहाँ है पता? सब गपोली गांव में इसका घर है जहाँ इसकी फैमिली रहती है। ये साफ हो चुका था कि जामताड़ा से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड्स कोई बाहरी लोग नहीं कर रहे थे। जामताड़ा के गांव में ज्यादातर घरों में ऐसे ऐसे लोग बसे हुए थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए कैसे लूटा जाता है ये कला सबने सीख रखी थी, और वो अलग अलग दलों में बंटकर रोज कई अपराध कर रहे थे। मौजूदा जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनीस अंसारी, राधे मंडल और गुनिया मंडल के साथ साथ और कई घरों पर छापे मारे, और मासूम लोगों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए खरीदा गया बहुत सारा सामान भारी तादाद में बरामद किया। लेकिन पुनीत मंडल समेत गुनिया मंडल, राधे मंडल और अनीस अंसारी की तलाश अब भी जारी है, जिनके नेक्सस की पूरे देश के कई राज्यों के साथ जुड़े होने की संभावना पक्की होती जा रही है, और इसकी असल जानकारी शत्रु के बयान के बाद सामने आई। साहब, यहाँ जामताड़ा का रामचरण सबसे पहला और सबसे बड़ा एटीएम मास्टर है। क्या मास्टरी की थी उसने? रामचरण मुंबई रिटर्न है, 7 साल पहले वो वापस अपने गाँव आ गया था, और वो छत पर चढ़कर फोन से लोगों से बात करके खूब पैसा बनाया, और गांव के लड़के लोगों को भी एटीएम मास्टर के काम सिखाकर अपना दल बना लिया। पर 3 साल पहले रामचरण को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके लड़के लोग सर काम नहीं छोड़े, वो लोग अपना अलग अलग दल बना लिए। फिर एक साल पहले रामचरण जेल से छूट गया और वो अपने गाँव आकर वहाँ अपना कॉल सेंटर चलाने लगा। कॉल सेंटर? हाँ साहब, वहाँ पर लड़के लोगों को एटीएम मास्टर का ट्रेनिंग दिया जाता है। साहब, रामचरण की तरक्की देखकर पुनीत भैया के पापा रामचरण से ही पुनीत भैया को एटीएम मास्टर का ज्ञान दिलवाए। मछली फंसाने का सबसे पहला जो लेसन है ना वो यही है। हेलो, हाँ सर, मैं गोविंद शर्मा बोल रहा हूँ एसडीआई बैंक से। सर, हमारी बैंक आपको एक स्पेशल ऑफर दे रही है, उसमें आप 10,000 तक शॉपिंग कर सकते हैं। सर, किसी को लगा कि हम बिहार से हैं? नो सर। हेलो मैडम, हम दीपू मिश्रा बोल रहे हैं एच यू बैंक से। ला पार्टी तुरंत समझ जाएगी कि बिहार से। देखो, या तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी, अगर बोल लिए तो समझो कि आधा एटीएम मास्टर बन गए। पुनीत बा, तुम ट्राई करो, तुम अंग्रेजी में ट्राई करो। पुनीत बा भली अंग्रेजी में कमजोर हो, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है। वो बहुत ही कम समय में अपना दल बना लिए, अब उनका भी जंगल में कॉल सेंटर चलता है साहब। लेकिन रामचरण तो छत से काम करता था, तो फिर पुनीत और बाकी के लोग जंगल से क्यों काम करने लगे? साहब, जब छत पर हम लोग काम करते थे तो पुलिस हमें बहुत तंग करती थी, इसलिए हम जंगल में काम शुरू कर दिए। साहब, दल के लड़का लोग कहीं भी नंबर लगा देते तुक्का मार के, और जिसका भी मछली फंसता था वो तुरंत मंडल भैया को बुला लेता था, और मंडल भी अपना लैपटॉप लाकर वहीं बैठ जाते थे। जो कस्टमर फंस जाते थे उनके कार्ड से मंडल भी अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे, या फिर शॉपिंग करके कैंसिल कर देते थे, और ई वॉलेट में पैसा डालकर हम सबका हिसाब क्लियर कर देते थे साहब, और फिर अपना पैसा वो मंगवा लेते थे। तेरे पुनीत भैया का जामताड़ा के बाहर किस किस से कनेक्शन है जिनके बैंक अकाउंट्स और ई वॉलेट में वो पैसे ट्रांसफ़र किया करता है? इसका हमें नहीं पता साहब, लेकिन पुनीत भैया का बम्बई, दिल्ली, जयपुर हर जगह सेटिंग है। तेरे पुनीत भैया के दल में कितने लोग काम करते हैं? हम तो हैं, बाकी लोगों का नहीं बताएंगे,
वो सब हमारे भाई बंधु हैं। तू अब भी वहीं का वहीं है। साहब जितना कहानी बता दी है ना, दिल्ली में जाकर सुनाओगे तो वाई मिलेगी। मंडल भैया और अपने भाई बंधु के लिए हम उनका जगह बताकर हाई नहीं लेंगे उनका। तीन दिन से मार रहे हैं ना साहब, तो इतना बता दिए, अगर आप जान से भी मार देंगे ना तो भी नहीं बताएंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा शर्मा, धुलाई करो उसकी अच्छी तरह से। पुलिस ने जल्द ही उन बीहड़ जंगलों में रेड मारी जहां से लड़कों के झुंड देश के हर राज्य में फ्रॉड कॉल्स करते हैं, और रामचरण मंडल के उस अड्डे पर भी छापा मारा गया जहां से जामताड़ा के मासूम बच्चों को एटीएम मास्टर बनाने के कोर्सेस करवाए जा रहे थे। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई थी उनमें कोई बड़ा नाम नहीं था। अनीस अंसारी, राधे गुनिया और पुनीत मंडल अब कहां थे इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। सर एक इंफॉर्मेशन मिला है, सर धानुकी अपने बेटे का शादी करने वाला है, कल रांची में उसका सगाई है। अरे आप लोग खड़े क्यों, आप कुछ लीजिए ना। ए मोहन, अरे देना, सजाता ही रहेगा क्या? सब ठीक है, लेकिन हमारे दामाद जी कहाँ है? तैयार हो रहा है ऊपर, अभी आ जाएगा। बोलो आ गया। सदा सुखने बेटा। अरे बात तो सुनिए साहब, आप क्या कर रहे हैं? काम करने दीजिए हमें अपना, सब पता चल जाएगा। बात तो सुनिए साहब। और पुनीत मंडल ने अपने बयान में बताया कि उसने दिल्ली के आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा का फोन नंबर और उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी बैंक साइट के कंप्लेंट एंड ग्रीवियंस पेज से जुटाई थी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें दर्ज करते वक्त हम अपने कार्ड की सारी डिटेल्स कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस पेज पर अपडेट कर देते हैं, जो कि मोहित शर्मा के लिए काफी घातक साबित हुई। और राधे मंडल के बारे में भी अहम जानकारी मिली, जो कि सरोज की आत्महत्या के भी दोषी थे। साहब राधे मंडल और गुनिया मंडल का अपना दल है, वो हमारे साथ काम नहीं करते। गुनिया और राधे मंडल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बयान से सरोज के साथ हुए फ्रॉड में आशीष पांडे की भूमिका का भी पक्का खुलासा हो गया। आशीष पांडे को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुणे की वर्तिका चिटनेस के साथ फ्रॉड करने वाले अनीस अंसारी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन अनीस अंसारी के अलावा और कई लोग हैं जो जामताड़ा के बीहड़ जंगलों में छिपकर अब भी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं जिन्हें बेनकाब करने की कोशिश आज तक जारी है। सादिक आलम, आज तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, तैयार हो जाओ। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। सलाम अलैकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है? तुम नहीं जानते? नहीं। ये वही सादिक आलम है जो इलेक्शन में खड़े हुए थे। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। सादिक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सादिक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सादिक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सादिक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आज की दूसरी कहानी में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे जुर्म की दास्तां देखेंगे जिसका संबंध कर्म से है, और यकीनन ये कहानी हमारी सोच और हमारे अंदाज को बदलने में जरूर मदद करेगी।
क्या सादिक? आज भी मेरी बीवी बच्चे कोई नजर नहीं आ रहे यहाँ पर। आ जाएंगे, फंसेंगे किसी काम में। नहीं कांस्टेबल साहब, मैं पिछले 6 महीनों से कोर्ट आ जा रहा हूँ लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। आप अपने लेवल पे कुछ पता करो ना। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो आज पेशी तुम्हारी, चलो। फोन तो उठाओ कासर, फोन। हेलो, हेलो जी, जी मैं सादिक बोल रहा हूँ। वो कौसर, वो कहा था ना यहाँ फोन मत करना। अब हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। घर पे है ना, अम्मी के घर पे है तू। The number you are trying to call is currently switched off. चले गए ये लोग, कोई और ऐसी जगह भी तो नहीं है, कहाँ जा सकते हैं लोग। टीनू, कुछ पता चला? नहीं भाई, कुछ नहीं पता चला। घर पे भी ताला लगा हुआ है भाई, आज पड़ोस में पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम भाई। अरे किसी ने कुछ तो देखा होगा, कहाँ गायब हो गए सब सब? तुम एक काम करो, तुम मुझे मिलो आके यहाँ पे। ठीक है भाई, अगले हफ्ते आता हूँ। अरे अगले हफ्ते नहीं, कल का कल मिलो आके, और वो वकील को साथ में लेके आओ। ठीक है भाई, ठीक है। मल्होत्रा साहब, आप कुछ भी करके मेरी बेल करवाओ। अरे आप समझने की कोशिश करो, 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चों का कुछ अता पता नहीं है, उनकी जान खतरे में हो सकती है, मेरे तमाम दुश्मन है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बेल करवाइए बस। मुश्किल है, जिस केस में आप अंदर हो ना, बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं इंटरिम बेल कराने की कोशिश करूँ। अरे कोशिश नहीं करनी है, करवानी है। आप जज साहब को जाके बताइए ना कि 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चे गायब हैं। आप मुझे ले चलिए, मैं उनके पैर पकड़ लूँगा, लेकिन कुछ भी करिए, बेल करवाइए बस। ठीक है, मैं कोर्ट में अपील करूँगा। करवाओ यार, भाई टेंशन ना लो, हो जाएगी। हम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, आप ख्याल रखो, हो जाएगा, चलो। जज साहब, मेरे बीवी बच्चे पिछले 20-25 दिनों से गायब हैं, ना जाने कहाँ चले गए। मेरे सिवा उनका और है भी नहीं कोई। उनको ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाना बहुत जरूरी है। मुझे मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे अंतरिम बेल दे दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। प्लीज जज साहब। Lord, I appeal for the interim bail. Permission granted. आज यहाँ से बाहर जाना मेरा बहुत जरूरी था। 20-25 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ वो लोग सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हाई लगी है लोगों की, फूट फूट के निकल रहा है। अरे सादिक भाई, क्या कर रहे हो? हमारा सामान क्यों फेंकवा रहे हो? ये हमारा घर है, हमें नहीं बेचना है, हम यहाँ से कैसे जाएंगे? इस घर के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, हमसे हमारा छत मत छीनो सादिक भाई। बड़ा जब शराफत से कहा था तब बड़ी चर्बी सवार थी, कहा था ना कि ये घर मुझे दे दो। अभी सामान फेंक रहा हूँ तो रो रहा है, जो दे रहा हूँ चुपचाप लेके निकल जाओ। चल चल ले जा इसके यार। अंकल का सामान बाहर फेंको। इतना गुरु ठीक नहीं है सादिक भाई, भगवान से डरो, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बुढ़िया सुन, सादिक की लाठी जो है ना वो दिखती भी और पड़ती भी है, ये बुड्ढा फैल जाएगा यहाँ पे। लेके जा उसको। ऐसा मत कीजिए सादिक भाई, ऐसा मत कीजिए। चुपचाप खड़े रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए। मर गया बुड्ढा, आ गया।
बीवी बच्चों को देखा कहीं? नहीं। अरे कहीं तो देखा होगा आते जाते। मेरे मकान के कागजात दे दे, मैंने कोई ठिकाना नहीं ले रखा तेरी बीवी बच्चों का। अरे समझ में क्यों नहीं आता है तेरे को? इस कोठी के कागजात नहीं दूंगा मैं तुझको, ऊपर के दोनों तल्ले मेरे हैं, समझा? और मेरी बीवी बच्चों के गायब होने में अगर तेरा कोई हाथ हुआ ना बुड्ढे, तो जमीन खोद कर धंधा कर दूंगा तुझको। कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, करता हूँ अभी। तू क्या क्या करेगा? अरे गिर गए। अरे भाई कुत्ता की पूछ है, रात मारने से सिद्धि ना हो गया। आओ बुड्ढे, अरे देखिए बोल साइड में। हां भाई भाई आज ना टेंशन ना ले, अब तेरी तो रेल में पढ़ाऊंगा। समझ नहीं आ रहा, बच्चे और भाभी कहां गए कुछ नहीं समझ आ रहा। प्यास लगी है। आओ दो चार गोलगप्पे हमारे साथ भी खा लो। चल मैं तुझे खिलाता हूँ गोलगप्पे। चल चल। सॉरी बोल बोल। सॉरी सॉरी। चल चल। आज नहीं, फिर कभी। वैसे कल क्या कर रही हैं शाम को आप? वही गोलगप्पे के ठेले पे इंतजार। ये नहीं आने वाली सादिक मिया। बस ये लीजिए भैया। अरे मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? अब एक मुलाकात के बाद भला कोई मतलब अनजान ही हुए हैं ना हम लोग। चलिए फिर चाय और समोसे खिलाइए, तब तो अनजान नहीं रहेंगे ना हम। वैसे आप करते क्या हैं? आई मीन आपकी जॉब? बस आपका इंतजार। आइए। हे, इसको देखो। तुम शादी करोगे ना मुझसे? अरे हाँ पगली, शादी करूंगा और मैं झूठ नहीं बोलता।
तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे, मुझसे वादा किया था ना मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, मेरी मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए ना तो हम लोग करेंगे ना शादी। और कितना इंतजार करूँ मैं? अभी के लिए यार थोड़ा मुश्किल है यार, सॉरी बोल रहा हूँ यार। तुम समझदार हो ना, सब समझती हो। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगे शादी। ले चलो इसे। अरे साहब साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे रेप केस का चार्ज है तेरे ऊपर, 376 के केस में अंदर जाएगा ना, सीधा 7 साल के बाद आएगा बाहर। अरे साहब, जो भी किसी ने कहा सब गलत कहा है साहब। अरे क्या कर रही है यार टीना? सही कर रही हूँ, तूने जो किया है ना मेरे साथ। अरे मैंने क्या किया यार, उससे प्यार करता हूँ और क्या। तो शादी करने के लिए मना क्यों किया? करता हूँ ना तुझसे शादी यार, थोड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए, करूंगा ना तुझसे। नहीं करेगी तू इसके साथ शादी, गुंडा मवाली है ये, हमारी जात का भी नहीं है। माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। ठोको केसेस पे, डालो जेल में साले को, मेरी भोली भाली बेटी को बेला फुसला कर इसने उसका नाजायज फायदा उठाया। टीना आई लव यू यार। जस साहब मैं टीना से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी सर। मिस टीना, ये शख्स आपसे शादी करना चाहता है, क्या आपको इससे शादी करनी मंजूर है? यस योर ऑनर। क्या बेहुदा मजाक है, चलो। चलो भाईजान, आपका आज निकाह भी हो गया, चलिए तो अभी आप भी मुंह मीठा। हेलो। हाँ मम्मी। टीना किधर है तू? मम्मी अब हमारा नाम टीना नहीं कौसर है, हमने सादिक से शादी कर ली। शादी कर ली सादिक से? मैं किसी कौसर को नहीं जानती, और दोबारा यहाँ फोन भी मत करना। मम्मी हमारी बात तो सुनो, मेरी बेटी टीना मर चुकी मेरे लिए। मम्मी हेलो, हेलो मम्मी, भाई भाई। हाँ बोल भाई। टेंशन ना लो, अपना विकास गया कई जगह ढूंढने, बस आता ही होगा। लो आ गया। एक मिनट भाई, अपना विकास ही होगा। दरवाजा नहीं खोलना है, रुको। हाँ भाई। विकास कहाँ है तू? मैं गेट पे ही खड़ा हूँ भाई। ठीक बोल। हाँ आ जा। भाई भाभी के दो एक दोस्तों के घर भी पता किया, लेकिन लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों को शक है किसी? नहीं भाई, शक तो किस पे होना है? हुँ? मैं घर पर चलूंगा तुम। अरे भाभी को बच्चों को कहीं देखा है? भाई हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल पाया। तो लगे कि एक ही रास्ता बचा है, घर पकड़ने पड़ेंगे। किसके? सर प्लीज रहम कीजिए सर। सर हाँ ठीक है उठो उठो उठो। सर प्लीज। कौन हो तुम? जी मैं सादिक आलम। तुम रेप केस में अंदर थे ना? मैंने क्या किया है? क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही है? मैंने एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। तुम परेशान नहीं हो ना? मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक नहीं, सालों के बाद आएगा भी। रेप केस है तेरे ऊपर।
मैडम ने किया है। अंतरिम जमानत पे बाहर आए है ना? जी सर। क्या बात क्या है सर? पिछले एक महीने से मेरे बीवी बच्चों का कुछ पता नहीं सर। सर आप तो जानते हैं मैं जेल में था सर। सर सर मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन कुछ कुछ पता नहीं चल रहा सर। आप लोग कुछ कुछ पता लगवा दीजिए सर प्लीज। अगर आप लोग थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट ले लेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए सर। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ, देखते हैं। सर आप लोग जानते हैं सर खाली रिपोर्ट दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक आप लोग कुछ करेंगे नहीं सर प्लीज। नितिन एक काम करो, लोकल एसएचओ को खबर कर दो, इसमें ध्यान दे। जी सर। सर मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ सर, मुझे अपने गुनाहों की सजा भी मिल रही सर, लेकिन सर मेरे बीवी बच्चे वो बेगुनाह हैं सर, उनका कोई कसूर नहीं सर। सर स्कूल जाते पढ़ते हैं सर वो लोग। सर प्लीज कुछ कर दीजिए सर। सर मैं उनकी फोटो भी लाया सर। ठीक है जाओ तुम। शुक्रिया सर। बड़ा फितूरी आदमी है सर ये सादिक आलम। कहने को इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है पर असल में लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी के पेपर्स की हेरा फेरी, दूसरों की जगहों पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, यही काम है इसके। ये क्रिमिनल तो है पर परिवार वाला भी है, इसे देख के तो लग रहा है कि जेन्युइन है। आज तो बड़ा भोला बन रहा था पर अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो हो सकता है इसने अपने बीवी बच्चों को खुद ही मार के गायब किया हो। एक काम करो लोकल थाने को इन्फॉर्म कर दो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। जी सर। कहते हैं कि कर्म जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, पाई पाई का हिसाब लेते हैं। इसीलिए तो कल का साहूकार आज का कर्जदार और कल का अपराधी आज का पीड़ित बना घूम रहा था। दबंग सादिक आलम की हालत ऐसी थी कि इस वक्त वो किसी के भी पांव पकड़ने को तैयार था कि बस कोई उसे उसके बाल बच्चों का पता ठिकाना बता दे। हालत ऐसी थी कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जिसने जिंदगी में कभी कानून की परवाह नहीं की थी आज कानून के दरवाजे खटखटा रहा था। कहां थी उसकी बीवी और कहां थे उसके बच्चे? और क्या उस पुलिस अधिकारी की बात सच थी कि सादिक आलम खुद ही अपने परिवार को गायब किए बैठा था? अपने परिवार की खोज में उसका परेशान होना सच था या ढोंग? ऐसा लग रहा था कि ये कर्मों का ही हिसाब किताब है। अब देखना ये था कि ये हिसाब सादिक के लिए कितना महंगा और कठिन साबित होने वाला था, क्योंकि कभी कभी कर्म जिंदगी और जान से भी मोल भाव करने लगता है। सादिक आलम की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उसके गुमशुदा परिवार को ढूंढने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को छानना शुरू किया। हेलो दिल्ली पुलिस। हेलो हेलो साहब। हेलो मैं गली नंबर 32 13/2 राजौरी गार्डन से बोल रहा हूँ साहब। किसी ने प्रॉपर्टी डीलर सादिक आलम को मार दिया है साहब। हेलो गली नंबर 32 शकुर बस्ती मकान नंबर 13/2 में एक वारदात हुई है। ओवर। खून सूख चुका है, इसे देखकर ऐसा लगता है इसे मरे हुए 4-5 घंटे तो हो चुके हैं। फिंगरप्रिंट सारे उठा लेना, ये मामला साहब मर्डर का ही। लेकिन सर कोई जबरन दाखिल तो नहीं हुआ है? वैसे इसकी पोजीशन देखकर ऐसा लगता है कि ये बाथरूम से नहा के निकला होगा। ये दरवाजा या तो पहले से खुला हुआ था या किसी ने चाबी से खोला। ये यहां खड़ा था, वहां से गोली चली और ये आदमी यही ढेर हो गया। फिर तो ये काम किसी जानने वाले ने किया होगा। आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है क्या? शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। वैसे ये घर इसी का है ना? हाँ सर, ये और इसके ऊपर वाली मंजिल इसी की है, बाकी नीचे का पोर्शन किसी पुराने मकान मालिक डांसिंग का है। फिर आस पड़ोस से भी पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को यहाँ आते जाते देखा हो। जब किसी इंसान को अपने कर्मों का हिसाब अपनी जिंदगी से चुकाना पड़े तो ये उस इंसान के अतीत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सादिक आलम का परिवार एकाएक गायब हो गया था और सादिक आलम को कोई मौत के घाट उतार गया था। क्यों हो रहा था ये सब कुछ उसके साथ? कौन था जो सादिक से इतना महंगा हिसाब ले रहा था? ये सच था कि सादिक ने बहुतों को तकलीफ दी थी, बहुतों का जीना दुश्वार कर दिया था, लेकिन उन तमाम लोगों में से ये कौन था जो उससे प्रतिशोध ले रहा था?
इस इंतहाई पेचीदा केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime Files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.